हेलो गाइस, इट्स सुबेत। आप देख रहे हो टेक्निकल उबेत यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम कुछ इस टाइप की एडिटिंग करेंगे। तो गाइस, ये इंस्टाग्राम पर बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, या फिर आप स्टेटस पर भी अपलोड कर सकते हो। तो गाइस, कुछ इस टाइप की एडिटिंग करेंगे, तो फुल वीडियो वॉच करना। गाइस, आज का बैकग्राउंड कैसा लगा है आपको? तो थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर देना। तो गाइस, चलिए बिना टाइम गवाए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, वहाँ देख लेना और स्टेप बाय स्टेप सीख लेना। एंड गाइस, बैकग्राउंड वॉइस के लिए सॉरी, बैकग्राउंड वॉइस आ जाएंगी क्योंकि हम टेरिस पर है, इसलिए वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, सॉरी गाइस। तो चलिए गाइस, मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ स्टेप बाय स्टेप सीख लेना। एक और झक्कास चीज दिखाओ क्या? तो गाइज यार, इंस्टाग्राम पर कुछ इस टाइप का वीडियो है, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो गाइज, आज हम इस टाइप की ही एडिटिंग करेंगे। इसके लिए आपको गाइज एक दो फोटोज़ की ज़रूरत पड़ेंगी, एक एडिट वाले फ़ोटो की, एक विदाउट एडिट वाले। बट एक ही एडिट, मतलब एक ही फ़ोटो होना चाहिए, उसको एडिट एक करना है और एक विदाउट एडिट की रहना चाहिए। तो चलिए गाइज, एडिटिंग शुरू करते हैं। बट आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में बता दूंगा, अगर आपको फोटो एडिटिंग नहीं आती तो सिंपली कमेंट कर सकते हो, तो आपको इस पर भी वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो एडिटिंग। तो चलिए गाइज, हम वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल सीखेंगे। तो आपको इसके लिए भी एन ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, ये आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको, इसे डाउनलोड कर देना। तो चलिए इसे ओपन कर देते हैं, वीएन ऐप। तो चलिए गाइस, इसे ओपन करते हैं। तो गाइस, जैसे ही आप वीएन ऐप ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। तो आपको यहाँ प्लस वाला आइकन दिख रहा है होम वाले ऑप्शन के साइड में, तो सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक कर दोगे, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो आपको सिंपली यहाँ से दो फोटो सेलेक्ट कर देना है, एक एडिट वाली एक विदाउट एडिट वाली। तो चलिए गाइस, दो फोटो सेलेक्ट कर देते हैं। तो चलिए गाइस, सेलेक्ट हो गए। अब आपको क्या कर देना है, ये लास्ट वाला एक आ जाता है आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर इसे डिलीट कर देना है। जैसे आप डिलीट कर दोगे तो दो फोटोस आ गए। अब आपको इसका फॉर्मेट चेंज कर देना है, तो सिंपली आपको यहाँ ओरिजिनल ऑप्शन दिख रहा है ना, तो ओरिजिनल ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओरिजिनल ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको 9:16 रेशियो सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप 9:16 रेशियो सेलेक्ट करोगे तो अब आपको यहाँ से सॉन्ग ऐड करना होगा। तो गाइस, जैसे ही आप म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो आपको सिंपली यहाँ से राइट हैंड साइड में आपको शो हो रहा होगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, तो सिंपली आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपको वीडियो ले लेना है यहाँ से, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो की, तो आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हो आप। सिंपली इसे यहाँ से फाइल नेम भी चेंज कर सकते हो। तो चलिए, आप सिंपली क्या कर देना है, ओके कर देना है। आप फाइल नेम भी चेंज कर सकते हो आपका नेम डालकर। तो प्रोसेसिंग हो रहा है गाइस, इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आसानी से डाउनलोड कर सकते हो गाइस। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना। तो चलिए गाइस, प्रोसेसिंग हो रहा है। तो हो गया प्रोसेसिंग, तो सिंपली आपको यहाँ से चूज़ कर देना है। सिंपली जैसे चूज़ कर दोगे आप, सिंपली यहाँ से आपको म्यूजिक बीट्स पर क्लिक कर देना है। तो आपको सिंपली यहाँ एक बीट है सिंपली, तो आपको सिंपल से क्या कर देना है, एक बीट पर क्लिक कर देना है। तो आपको वीडियो सुनना है यहाँ से, और यहाँ से आपको सिंपली प्ले कर आपको एक बीट लगा देना है। आपको आप मतलब जहाँ बीट आ रहा है आपका, चेंज हो रहा है फ़ोटो, वहाँ आपको लगा देना है। तो सिंपली कुछ इस टाइप से देखिएगा, यहाँ हमने बीट लगाया था, तो सिंपली इस टाइप से हो गया ये। तो आपको यहाँ से क्या कर देना है, आपकी जो फर्स्ट वाली फ़ोटो है ना, इसे फर्स्ट वाली फ़ोटो को थोड़ा सा ट्रिम कर कम कर देंगे ड्यूरेशन, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी सेकंड फ़ोटो का ड्यूरेशन मैच कर जाएगा, थोड़ा सा बीट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो सिंपली इस टाइप से आ गया है गाइस, आपको थोड़ा सा फ़ोटो को बढ़ा कर देना है म्यूज़िक के अकॉर्डिंग, और इतना रख देना। एंड गाइस, आपको ध्यान रखना है कि म्यूज़िक के अकॉर्डिंग ही आपको फ़ोटो का ड्यूरेशन कम करना है या फिर बीट लगा देना है। तो आपको प्ले कर वीडियो सुनना है, फिर आपको अकॉर्डिंग म्यूज़िक के अकॉर्डिंग रख देना है सिंपली। अब यहाँ से हम फिल्टर पर क्लिक कर देंगे, फिल्टर पर जैसे ही क्लिक कर दोगे आपको यहाँ से फिल्टर लगा देना है कुछ इस टाइप का, आप कौन सा भी लगा सकते हो आपकी जो मर्जी। तो चलेगा, हम ये लगा देते हैं A2। तो कुछ इस टाइप से फिल्टर लगा सकते हो, नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन शो कर रहे होंगे। तो सिंपली आपको यहाँ से FX वाला ऑप्शन शो कर रहा है ना, सिंपली FX पर क्लिक कर देना है। जैसे FX पर क्लिक कर दोगे, यहाँ से हम जूम वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे, क्योंकि जूम वाला ऑप्शन ही है उस पर। तो सिंपली आपको यहाँ से क्या कर देना है, जूम आउट वाला ले लेना है, नहीं तो एक्सपेंड वाला ले लेना है। एक्सपेंड वाला जैसे ही आप सिलेक्ट कर दोगे तो सिंपली इसका ड्यूरेशन 0.32 सेकंड तक देना है, 0.27 भी रख सकते हो, या फिर 0.2737 कुछ इस टाइप से भी रख सकते हो, 37 रख देना। और एंड सेकंड वाले पर हम FX पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से आपको
ये वाला फिल्टर लगा देना है, जूम आउट वाला। फिर आपको यहाँ से 0.24 सेकेंड भी लगा सकते हो। तो सिंपली आपको क्या कर देना है, 0.50 सेकेंड लगा देना है, क्योंकि आपका 50 सेकेंड पर ही बराबर मैच कर देता है। तो सिंपली फर्स्ट वाला है हमारा, फर्स्ट वाली फ़ोटो का ड्यूरेशन भी बता देता हूँ आपको, सेकंड वाली फ़ोटो का भी ड्यूरेशन बता देता हूँ आपको। चलिए गाइस, तो फर्स्ट वाली फ़ोटो का ड्यूरेशन है 3.18 सेकेंड एंड सेकंड वाली फ़ोटो का है 3.4444 सेकेंड। तो सिंपली आपको इस टाइप से कर देना है एंड आपको यहाँ से प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कर दोगे, वहाँ फोटो के बीच में एक प्लस वाला आइकॉन आता है, उस पर जैसे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ से जूम आउट वाला लगा देना है एंड ड्यूरेशन आपको रख देना है। चलिए गाइस, ड्यूरेशन हम जूम आउट वाला ही अच्छा दिख रहा है, तो ड्यूरेशन इसके हम 1.94 सेकेंड रख देंगे। सिंपली ओके कर देना है। जैसे आप टिक पर क्लिक कर दोगे तो ये ऐड हो जाएगा। देखिए गाइस, यहाँ आपको प्लस वाला आइकन शो करता है। अब गाइस हमारा वीडियो बन गया है, इसे सेव कैसे करते हैं आपको यहाँ एरो दिख रहा होगा, सेव एंड एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ से कुछ भी छेड़छानी नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ से एरो पर क्लिक कर देना है एंड सेव कर देना है। तो ये सेव हो जाएगा, आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, आपको यहाँ से ऐप पे से हिलना नहीं है। तो सिंपली आपको यहाँ ही रुकना है थोड़ा सेव हो गए तक। तो सिंपली गाइस ये हो गया है, तो सिंपली आपको यहाँ से क्या कर देना है गाइस, सेव टू एल्बम कर देना है यहाँ से। चलो गाइस आपको प्ले कर बता देता हूँ वीडियो। तो गाइस यार वीडियो तो बहुत प्रोफेशनल बन गई है, अगर आपको पसंद आ गई तो लाइक कर देना एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंस्टाग्राम से ट्रेंडिंग वीडियोस, एडिटिंग से रिलेटेड या फिर फिल्टर, आपको फिल्टर के नेम्स चाहिए तो ऐसे ही वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। तो सिंपली सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन पर क्लिक कर देना, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए गाइस बस आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय गाइस।